जी, रही और है, कैसे हैं आप महावीर जी? नमस्कार मैडम, नमस्कार, प्रणाम है। बहुत हाउ आर यू, बहुत कैसे आभारी हैं? आप जैसे कर्णधार हमें मिले। और मैं सबसे पहले अपनी बहनों और साथ को ये बताना चाहूंगा कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे मंच से गए हैं जो आपकी सब तरह से, मैं बहुत जगह गया, बहुत जगह का एक्सपीरियंस है, लेकिन जितनी केयर, जितना देखभाल या जितना ख्याल यहाँ रखा जाता है शायद ही कहीं होगा। एनजीओ बहुत हैं, बहुत बने हुए हैं, लेकिन ये जो संजीवनी जो एनजीओ है ये वास्तव में एक नया जीवन देने वाला है। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था पहले कि कैसे सांस लेना है। जो एक प्राण, जो हम जिसके सारे जिंदा है, प्राण लेना, सांस को कैसे लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं, जैसा मिल गया खा लिया, जब मिल गया तब खा लिया। सिर्फ ये उद्देश्य था कि पेट भरना है, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं हम जिंदा है। हमने ये जी सुना था पहले हमारे कई जी साथियों से, कई जो गुरु जैसे महामारी से बड़े थे, कि धार्मिक विचारों के, कि खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना खाओ, जी ऐसे ढंग से खाओ कि जिंदा रहो। लेकिन यहाँ जी पता लग गया कि कैसे खाना है और क्या क्या किस टाइम खाना है, जी एकदम लाइफ चेंज हो गई यहाँ आके मेरी। अच्छा, उसके बाद ऐसा फिर जरूरी है वो विचार के बारे में जो बताया गया है, और जो जी मानसिक जो स्वास्थ्य के बारे में जो बताया गया, शारीरिक के बारे जी में तो डॉक्टर देखते हैं और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि व्यायाम बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, काफी चीजें बताई जाती हैं बाहर, लेकिन जी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम। और यहाँ जी शाम भी मैडम हैं और डॉक्टर हैं, या और बेजरी मैडम, उन्होंने जो जिस ढंग से जो पेश जी किया है वो तो कमाल का है। जी और जो आपकी देखरेख में, आपकी जी जो दर्शनों से जो है ना, बस बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जुड़ के थैंक मैं अपने साथियों को, जो नए जुड़े हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है। अगर अमल नहीं करेंगे जी आप, वो तो उसके बारे में आप सिर्फ सुन लिया और घर के भूल गए, उसको नोट जी डाउन करें, और नोट डाउन करके घर जाके उसका अमल करना है। घर पे जब जैसे जी कैसे सांस लेना है, पूरी सांस पेट तक, फिर आहार दोपहर तक क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, वो सब बताएंगे। इतने हम अगर ढूंढे ढूंढते ना तो हमें नहीं मिलता। ये मैं कथा सुनता हूँ आस्था वगैरह पर, तो वो बताते हैं कि गुरुजी जो हैं वो ढूंढने से नहीं मिलते। गुरुजी कहो या उनको जो जो हमारे हितैषी हैं, वो अपने आप मिल जाते हैं। तो 5 मार्च को, इसी 5 मार्च को पुष्पम झा जी को मैंने देखा, वो एक ग्रुप में कुछ बता रही थी, कुछ लेडीज, फिर दूसरे ग्रुप में, फिर लेडीज मेरे साथ बैठी थी, फिर वहां तब मुझे पता लग गया। मैंने सोचा ये कोई रिश्तेदार है, फिर मुझे पता लग गया कि उसने ये एनजीओ के बारे में या आपके बारे में बताया। ओ, तब मेरा एकदम मुझे ऐसा लगा कि ये तो में अच्छी चीज। तो मैंने अपना जी नंबर दिया। उसके बाद लॉकडाउन गया, मार्च मार्च के बाद फिर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि हम ऐसे ऐसे सेशन शुरू कर रहे हैं। भाजी, मैं तो बहुत तारीफ होऊंगा अगर मुझे इसमें शामिल किया जाए, और मैं किसी भी तरह की कोई भी सहायता कर सकूं मैं तैयार हूं। लेकिन एक कोई कोर्स था, उसमें शायद 60 से ऊपर का नहीं अलाउड थे, मैं 50 से ऊपर, जी तो मैं उसमें तो शामिल ही हो सका। कोई जी भी जो, मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर मेरे लायक हो तो मैं अपने साथ बस यही कहना चाहूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जिंदगी बदल गई है। और अब मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ या आगे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें सांस से लेके विचार जो है, सारे चीज जो है ना, इतने अच्छे ढंग से बताए गए हैं, बहुत अच्छे ढंग से।
हालांकि हर एक की जिंदगी में वो अप डाउन आते हैं और बहुत उदासी बहुत ऐसे दिन ऐसे टाइम आता है, लेकिन उसमें अगर हम इन चीजों का ख्याल रख लें तो बहुत हमें रिलीफ मिलता है और उससे हम बाहर निकल जाते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ जी भाई, और हमेशा जो है ना देखूंगा मैं अब अपने फ्रेंड सर्कल में यही बताता हूँ कि ऐसी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रॉफिट के और इतने अच्छे ढंग से जो आपने जो अपने कर्णधार आपने जो नाविक चुने हैं जो और जो योद्धा है नीचे जो बहुत अच्छे सब बड़े ऑपरेटिव हैं, क्योंकि मैं जब एम्स में मैं जाता रहता हूँ इलाज के लिए तो वहाँ स्टाफ है वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है जी। और ये जो आपके योद्धा जो इतने ढंग से हमें समझाते हैं मदद करते हैं, अब भी बार बार ये हम फोन पर इनसे मदद लेते हैं तो वाकई ये एक देव स्वरूप। थैंक यू।